स्कूल संचालक पे एफआईआर करने की कोशिश की। आज हमें सूचना मिली कि ग्राम कुसमरी में टिपरी बुजुर्ग के एक प्राइवेट स्कूल है हिमालय एकेडमी, उनके द्वारा बच्चों को लाया जा रहा था ग्राम कुसमरी में। जैसे ही एक बच्चे को लेने में स्कूल बस रुकी तो पास में दुकानदार को देखा गया कि इसमें आग लग रही थी, उसके बच्चों को तुरंत उतारा और थोड़ी देर में उसे वैन में शोर हो। फिर हम सभी मौके पर पहुँचे, तहसीलदार थाना प्रभारी, और उसका मौका मुआयना किया तो पाया गया उसमें गैस से जो वाहन चल रहा गैस चल रहा था। बाद में हमने उनके स्कूल के भी निरीक्षण किया, वहाँ भी वो गाड़ी खड़ी थी उसमें भी गैस थी, और साथ ही वो मान्यता के अनुसार जो वास्तविक होना था उसमें निदान और जो शिक्षक पढ़ाते उसमें भी पूर्ण योग्यता नहीं थी और पर्याप्त सुविधा नहीं थी। हमने कलेक्टर महोदय को प्रतिवेदन भेजा है और साथ ही आरटीओ के दल भी वहाँ पे आए थे, उन्होंने भी देखा तो उनकी जो फिटनेस वगैरह नहीं था और ना उनके डॉक्यूमेंट थे ना ड्राइवर का लाइसेंस था। हमने संबंधित थाना प्रभारी को महोदय को प्रभारी को भेजा। सर दूसरी स्कूल में भी किसी कुछ अनियमितता पाई जाती है तो दूसरी स्कूलों में हम निरीक्षण करेंगे, ऐसा पाया जाता है तो उनको भी कार्रवाई करेंगे। सभी ये BRC साथ ही सभी RTO को हमने बताया है कि सभी स्कूलों को चेक करें और जिसमें अनियमितता पाई जाती है स्कूल में अगर कोई फिटनेस नहीं है गाड़ी का तो उसका भी जब्त करें। सर अमूमन देखा गया है कि एक फिटनेस में दो दो गाड़ियाँ चल रही है और कहीं पर मारुति वैन और भी अन्य जगह चल रही है, तो जिले में इसका भी कुछ रोकथाम होगी क्या? निश्चित तौर पर हम उसकी कार्रवाई करेंगे, ऐसे भी जो भी गैस से चलने वाले वाहन उनकी भी कार्रवाई करेंगे और साथ ही RTO बनेगी सभी जगह चेक करें। सर इसमें बहुत सारे जो ड्राइवर चल रहे हैं उनके भी लाइसेंस नहीं है, अगर लाइसेंस है उनको भी कार्रवाई करेंगे, बिना लाइसेंस कैसे चला रहे हैं?